नमस्कार, मैं अंकित कुमार, आप देख रहे प्रभात खबर बिहार। बीते 13 जुलाई को पटना कॉलेज में बमबाजी होती है, उसके बाद पीयू प्रशासन की ओर से फरमान जारी होता है कि 4 छात्रावास को बंद कर दिया जाएगा। उसको लेकर के आयशा के छात्र लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है? देखिए, पटना विश्वविद्यालय में पिछले दिनों जो भी हिंसक घटनाएं हुई उनके हवाले और उनके आड़ में पूरे पटना कॉलेज के हॉस्ट छात्रावासों को खाली करने का आदेश दे दिया गया, और उसके बाद पटना कॉलेज के तमाम छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, घाटों पर सो रहे हैं, उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में वही लोग रहते हैं जो गांव से, सुदूर ग्रामीण इलाके से आते हैं, और सुदूर ग्रामीण इलाके से आते हैं वो गरीब वंचित दलित तबके के लोग होते हैं। अब आप उनको अचानक से हॉस्टल से एक दिन का नोटिस देकर के खाली करवा दे रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो रूम ले लें, वो घाट पर सो रहे हैं, आप आकर उन लोगों को देख सकते हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन का यह जो आदेश था ये एक तरह से तानाशाही वाला था। आप हॉस्टलों की स्थिति बेहतर करने की बजाय जो छात्र, जिन छात्रों के ऊपर आरोप लगा, जिनकी संलिप्तता हुई, उनको उनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय, आप इस बेहतर शैक्षणिक अकादमिक माहौल बजाने के बजाय आप हॉस्टलों को बंद करने का आदेश दे रहे हैं। तो छात्रों की बेदखली ये कैंपस में नहीं चलेगा, छात्रावासों से छात्रों की बेदखली कैंपस में नहीं चलेगा। आप पुलिस का आवाजाही लगातार बढ़ाए हुए हैं, बोला जाता है कि छात्रावास के ही लोग बमबाजी करते हैं, गोलीबारी का देखो बोला जाता है। आपको अगर तथ्य जिसके पास है, छात्रावास के लोग कह देना, समाज में किसी गांव में अगर कोई कोई घटना कुछ होता है तो पूरे गांव के लोगों को आप बदनाम कर दीजिएगा, किसी देश में कुछ होता है तो आप पूरे देश के लोगों को कहिएगा पूरे देश हत्यारा है, ऐसा तो नहीं करते हैं आप। तो आप पूरे छात्रावास को हत्यारा क्यों कह रहे हैं? जो छात्र आपको लगता है कि अनैतिक है, आप तो अलॉटमेंट करते हैं नंबर के आधार पर, आप आपके पास उनका डाटा है, आपका सुपरिटेंडेंट आपके छात्रावासों में रहता नहीं है, आप वहाँ मेज की सुविधा देते नहीं है, आप वहाँ पानी की ठीक सुविधा दिए नहीं है, भवन जर्जर हुआ है, कब गिर जाएगा, किसकी सर फट जाएगी उसकी, तो आप उसकी जवाबदेही लेते नहीं है। तो इन चीजों को ठीक करने की बजाय आप हॉस्टल को बंद करने का आदेश दे रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि हॉस्टल को अविलंब खोला जाए और उसका एकेडमिक माहौल को बेहतर किया जाए, तब जाकर इन तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। जब तक शैक्षणिक माहौल को बेहतर नहीं किया जाएगा तब तक इसके ऊपर आरोप नहीं लगाया जाएगा। तो ये हमारी मांग है कि हॉस्टल को अविलंब खोला जाए। ये हाथ में जो लिए हुए फरमान किस, ये हमारा मोमेरेंडम है, आयशा का ये मोमेरेंडम है। हमने ये मांग किया है कि हॉस्टलों का अविलंब खोला जाए, और इसको खोलने के साथ साथ वहाँ पर व्यवस्था किया, वहाँ पर उसकी व्यवस्था किया जाए, ये हमारी मांग है। मेमोरेंडम ये कुलपति महोदय को हम लोग सौंपेंगे। और कुछ भी छात्र लोग हैं हॉस्टल से, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंदन यादव हुआ। कौन से हॉस्टल में? जैक्सन हॉस्टल से हैं। जी, थर्ड ईयर। क्या मांग है? मांग है कि हॉस्टल खोलना चाहिए, हॉस्टल बिना मतलब को बंद कर दिए हैं। ये चीज मतलब VC को ये नहीं दिखता है कि मतलब यहाँ पर टीचर की व्यवस्था नहीं, टीचर नहीं है, हर डिपार्टमेंट में टीचर की कमी है, गेस्ट फैकल्टी टीचर पढ़ा रहे हैं। मेरा मांग है कि हॉस्टल खुलना चाहिए, ग्रामीण प्रवेश से जो भी छात्र आते हैं वो घाट पर सो रहे हैं, हॉस्टल बंद है तो सिर्फ नाम नाम के लिए हॉस्टल बंद कर दिए हैं कि यहाँ मतलब छात्र शिक्षा ग्रहण नहीं करे, यही हमको लग रहा है कि यही दिन। और लोग भी छात्र लोग हैं, हाथ में लिए हुए हैं पोस्टर और लिखे हुए हैं पटना कॉलेज के छात्रावासों को अविलंब खोला जाए। जी जी, 13 तारीख को इंडक्शन मीट में जो भी हुआ, बमबाजी, गोली, बंदूक, वो सब असामाजिक जो हॉस्टल में रह रहे थे, इलीगल अदर थी छात्रावास में, वो सब बमबारी किया। छात्रावास में बाहर के लोग कैसे घुस जाते? यही तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, वो आते नहीं है, चेक करने वाले प्रिटेंडेंट सब आते नहीं है, वो कहीं और रहते हैं। और हम लोग जब यही बात बोलने जाते हैं कुलपति साहब को, तो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग हॉस्टल नहीं संभाल सकते, अब इसका जिम्मेदारी ये है। अब जैसे गरीब बच्चा है जो आता है यहाँ पे रूम, आप लोग को भी पता है कितना महंगा है। अब हम लोग कुलपति साहब से बात करने गए तो वो बोलते हैं नहीं, हम लोग से नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है कि हम जिला प्रशासन को दे दिए हैं। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कल से हम लोग का डिपार्टमेंट में पढ़ाई नहीं होगा तो डिपार्टमेंट तोड़ दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। यही हम लोग का यही गुजारिश है कि हॉस्टल को खोला जाए जल्द से जल्द, क्यों, और हॉस्टल को क्यों बढ़िया सुविधा दिया जाए, मेस की व्यवस्था किया जाए, बच्चों में कुछ कुछ बच्चों में ऐसी कौशलता उसको आगे बढ़ाया जाए, स्पोर्ट्स चाहिए। यही आपने सुना, आयशा के कार्यकर्ता लोग थे और तमाम हॉस्टल के छात्र लोग थे, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हॉस्टल को जल्द से जल्द खोला जाए, नहीं तो आगे और भी कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा पीयू प्रशासन इस पे क्या संज्ञान लेते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें
प्रभात खबर बिहार के साथ मैं अंकित कुमार पटना। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।